लेकिन मुझे थोड़ी ठंड लग रही है आज, बाहर निकलो तो पता चलता है। सो हाउ वाज योर फर्स्ट डे? तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम जा रहे श्रीदत्त नाश्ता करने। दिस इज सो यम्मी। पहले मैं ना ये ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों के साथ फिर मैं लाइट कितनी आ रही है मैं दिखी नहीं रही हूँ। ओह माय गॉड, कहाँ गायब हो गई मैं? दिख जाओ, दिख गई। ओह माय गॉड, वो लाइट एडजस्ट ही नहीं हुई। एक सेकंड, मैं ट्राईपॉड पे लगा के ना, आई विल गेट बैक। ऐसे तो नहीं होता है। आज आप देख रहे होंगे मैं। हेलो एवरीवन, आई एम लता सबरवाल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज संडे का दिन है। आज सुबह भी जो है मैं कुछ 5:30 उठ गई। वैसे संडे लेट उठती हूँ, लेकिन अब वीकेंड क्रिकेट क्लासेस में डाला है आरव को, तो उसे लेके आई हूँ। वो ट्रेनिंग कर रहा है और मैं बस बाहर बैठी थी थोड़ी देर, अभी गाड़ी में आके बैठी हूँ, क्योंकि वैसे तो मुंबई में उतनी ठंड नहीं होती, लेकिन मुझे थोड़ी ठंड लग रही है आज, बाहर निकलो तो पता चलता है। इट्स अ लिटिल चिली बट इट्स नाइस एंड प्लेजेंट। तो देखते हैं हमारा दिन कैसा जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। एक चीज़ और फ्रेंड्स, मुझे स्पोर्ट्स की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा लग रही है अपनी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में। तो मैं तो जैसे चलो एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है हम उन्हें कुछ और करवाएं या ना करवाएं, लेकिन किसी ना किसी स्पोर्ट में ज़रूर डालना चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन सीख जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। सो आई थिंक स्पेशली आजकल के टाइम में स्पोर्ट्स इज़ अ मस्ट। So, how was your first day for cricket practice? अच्छा था ना? चलो अब हम चलते हैं कहीं अच्छा सा गरम गरम नाश्ता खा लेते हैं, बहुत भूख लग गई है। भूख लगी होगी ना? मुझे तो बहुत लग गई है ना? Let's go. तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम जा रहे हैं श्रीदत्त नाश्ता करने, जहाँ पे बहुत अच्छा। मम्मा आप भी हो, दिख रहे हो आप भी। पूनम भी है साथ में, आरव भी है। तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं श्रीदत्त नाश्ता करने, जहाँ पे बहुत जबरदस्त यम्मी नाश्ता मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं व्हाट्स इन माय नाश्ता थाली टुडे। और आरव ने फटाफट चेंज कर लिए कपड़े, चलो लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं और नाश्ते का हो रहा है वेट। आरव किधर है? आरव ये रहा। ओ, सो व्हाट्स इन आवर नाश्ता थाली टुडे, लेट्स सी। यमी यमी वड़ा पाव है हमारी थाली में, साबुदाना खिचड़ी है, और ये जो चटनी होती है ना इनकी बहुत अलग सी होती है, और ये सूखी लाल चटनी, वाओ बहुत टेस्टी लगती है मुझे। और अब आ गया है कोथमीर बड़ी, यानी कि धनिया बड़ी, जो कि अगेन बहुत बहुत टेस्टी होती है, ठंडे मौसम में बहुत अच्छी लग रही है। और ये मटर पैटिस हैं, हरे मटर इसके अंदर भरे होते हैं, मटर की टिक्की समझ लीजिए, कह सकते हैं। इट इज़ रियली रियली डिलीशियस। दिस इज सो यम्मी। मैं क्या करती हूँ कि पाव माइनस कर देती हूँ बड़ा में से, ताकि थोड़ा सा मैदा कम हो जाए, और बटाटा बड़ा खा लेती हूँ। अब पी जा रही है गरम गरम कॉफी, और साथ में डाली जा रही है मोटिवेशनल रील। दिखाऊं? तो अभी आरव मम्मा क्या है, दोपहर का टाइम है, और आज मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, क्या बताऊँ। मैं वैसे दिन में बिल्कुल नहीं सोती हूँ, लेकिन कल रात को काफ़ी देर से सोई, और अभी सुबह फिर जल्दी उठ के ही जाना था, इसलिए सो एक नैप ले लेती हूँ। एक्चुअली पावर नैप्स बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारा पूरा जो ब्रेन है ना उसको रिवायर कर देते हैं, और हम बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं। सो सी यू आफ्टर आई वेक अप। हाँ, और ये भी बता दूं कि मैंने कपड़े मशीन में धुलने डाल दिए हैं, पानी भर दिया है, बॉटल्स भर दी हैं पानी की, ये सब कर दिया है। तो जब तक उठूंगी तब तक कपड़े हो जाएंगे, फिर फटाफट जो है ना उठ के बेडशीट बदल दूंगी, कपड़े टांग दूंगी, सारे काम कर दूंगी। मैं सोती रहेगी फ्रेंड्स काफ़ी देर तक। अभी टाइम हो गया है 3:00, 3:10 है बस, अचानक झटके से नींद खुली, और वो झटके से नींद खुलती है तो बड़ी घबराहट सी होती है ना, वो होने लगी, और फटाफट देखो पीछे मैस दिखाती हूँ, बेड पे रखे हुए इतने सारे कपड़े तय करने वाले, सब करने हैं। मशीन भी आई थिंक बंद हो चुकी होगी। पहले मैं ना ये ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों के साथ फिर मैं लाइट कितनी आ रही है मैं दिखी नहीं रही हूँ। ओह माय गॉड, कहाँ गायब हो गई मैं? दिख जाओ, दिख गई।
Oh my god, वो लाइट एडजस्ट ही नहीं हुई. एक सेकंड मैंने ट्राइपॉड पे लगा के ना गेट बैक. ऐसे तो नहीं होता है. हाँ, कपड़े हो गए हैं, मशीन बंद हो चुकी है. सबसे पहले जो है मैं कपड़े डाल दूँ क्योंकि धूप चली जाएगी, नहीं तो फिर आज का ब्लॉग बिल्कुल ही नेचुरल सिंपल ब्लॉग है फ्रेंड्स. कुछ खास नहीं है और मुझे जो है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ. कुछ खास होने वाला है, नहीं होने वाला है. और लंच, लंच का तो आपको बताया ही नहीं. व्हाट्स इन माय थाली टुडे, लंच तो किया ही नहीं है मैंने. वो सुबह क्या हुआ कि जो भी खाया था ना, हमने काफ़ी फ्राइड था तो मेरा पेट बहुत भर गया. और रोज़िन फ्राइड वंस इन अ वाइल ही खाती हूँ, रोज़िन तो खाती नहीं हूँ, तो काफ़ी फिलिंग हो जाता है मेरे लिए. सो वॉट आई डू नाउ इसकी मैं सोचती हूँ कि क्या फटाफट बना के क्या खाऊँ. कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है. अभी तो उठी हूँ वैसे, पहले पानी पी लूँ. एंड आर एवे सेटल्ड एट नानी हाउस, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, आराम से मैं अपना ये सब काम वाम खत्म कर लूँगी. ज़रा बेडशीट बदल दूँगी, चादर अरेंज वेंज कर दूँगी सारी अच्छे से, इससे पहले कि वो आएगा. टांगने से पहले मैंने सोचा मेरा जो ये नया वाला घर है वहाँ से एक चीज़ दिखाती हूँ. फ्रेंड्स, अगर आपने मुंबई नहीं देखा है तो ये देख रहे हैं, ये कुछ 1.5 साल के अंदर कुछ 30 बिल्डिंग्स हमारे यहाँ पर सामने आ चुकी हैं. इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इसीलिए हम कहते हैं कॉन्क्रीट जंगल है. ये देख सकते हैं आप कितनी सारी बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पर, जो महाड़ा की बिल्डिंग्स होती हैं वो आ गई हैं. आई मीन दिस इज़ लाइक क्रेजी. मुझे कभी कभी लगता है कि हम शायद अपने प्लैनेट का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे, लेकिन कितनी पास पास बने हुए हैं घर आप देख सकते हैं एकदम. एंड एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ भी दिखाती हूँ जो कि अगेन मार्वल है एक. अभी रुकना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा. और ये है वो, हमारे घर के सामने से मेट्रो ट्रेन जाने लगी. अभी तक मैंने ट्रैवल नहीं किया है और इसका ब्लॉग डेफिनेटली दिखाऊंगी. और वाओ, एक आती एक जाती दोनों दिख गई मुझे भी. मैं बच्चों की तरह एकदम एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कभी भी मेट्रो देखती हूँ, बिकॉज इट्स न्यू. हाँ, थोड़ी सी आवाज़ आती है, बट दैट्स ओके. तो मैं जल्दी इसका ब्लॉग दिखाऊंगी आपको. यार मैं बिगड़ गई हूँ थोड़ी, मैं क्या करूँ एक्चुअली. मेरा फिर कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली है. और ये डेविडॉफ की जो है फाइन अरोमा कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है. एक डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है. मेरा भी मन करता है कभी कभी डिसिप्लिन से हट के कुछ भी करो. मतलब जैसे आज संडे है ना, वीकेंड से मेरा मन करता है कोई डिसिप्लिन फॉलो मत करूँ, नहीं करती हूँ एक्चुअली. और जो मन करता है वो करूँ, क्योंकि ये फ्रीडम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. खा लेती हूँ फिर कपड़े डालती हूँ. दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन फेस पैक ना जाए. तो नहा ही नहीं हूँ अभी तक, पता है आपको. अभी क्या कर रही हूँ कि फटाफट जो है फेस पैक लगा रही हूँ. और ये है ऑलिव ऑयल, कॉफ़ी एंड दही. तो ये विंटर फेस फेवरेट फेस पैक है मेरा. बहुत ग्लो देता है, शाइन देता है फेस को, टैनिंग भी हटाता है और विंटर्स में भी बड़ा टैन होता है. और एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, मैं लिंक ना एक दो वीडियोस जो मैंने किचन की चीज़ों से स्किन केयर और उनकी इंपॉर्टेंस बताई है एंड फुल बॉडी पे कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए खास करके सेंसिटिव ड्राई स्किन पे, वो मैं अटैच कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर लगा दूंगी. तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. एंड और भी जो काम की वीडियोज मुझे लगेंगे ना एकदम स्किन के ऊपर, जो सब पूछते रहते हैं ईजी स्किन केयर घर के, वो मैं अटैच कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो या फिर ऊपर, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा. ओके, तो ये हो गया. बड़ा ही अच्छा ग्लो शाइन देता है ये वाला पैक. तो अभी ये समेट लूँ, बेडशीट बदल दूँ, उसके बाद कुछ शेक बना के पीती हूँ. आपको दिखाऊंगी हेल्दी शेक की रेसिपी, क्योंकि सुबह चीट हो गया, संडे है तो क्या हुआ, कल से फिर एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाए रात को. फिर देखते हैं क्या खाएंगे. अभी फ्रेंड्स, ये जो मेरा नया स्टूडियो का हाउस है ना, इसकी सेटिंग पूरी हुई नहीं है, इसकी सेटिंग करनी है मुझे. साड़ी वगैरह मैंने अपना जो डेली लाइफ करती हूँ ना उसमें आपके सामने लगाई थी. अरे हाँ, जिन्हें नहीं मालूम मैं बता दूँ कि मैं जो है वो डेली लाइव ब्लॉग करती हूँ यूट्यूब पे. डेली इन द सेंस 10 दिन तो मैंने लगातार आई, फिर उसके बाद एक एक दिन का कभी कभी गैप हो जाता है. लेकिन हाँ, मैं पहले से अनाउंस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम होता कि कब मैं आऊँगी आरफ के स्कूल जाने के बाद. कुछ भी ऐसी चीज़ कर रही होती है तो आप लोगों से बात करती हूँ, आपसे सजेशन भी लेती हूँ काफ़ी. एंड आप लोग लाइव देखिएगा. और सबसे ईजी, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है माई डेली लाइव ब्लॉग्स करके, आप देख सकते हैं. एंड नहीं तो आप अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करेंगे ना तो आपको भी नोटिफिकेशन जाएगा टू अटेंड माई लाइव. तो आप लोग भी आइएगा, फिर मैं सबके नाम लेके वीडियोज भी बनाती हूँ और आपके चैनल्स अगर हैं तो उनको शाउट आउट भी देती हूँ.
थोड़ी सी इसमें जो है म्यूजली डाल लेती हूँ। ये है कौन सी सोलफुल की टाटा सोलफुल डीमार्ट गई थी वहाँ से लेके आई मैं ये म्यूजली। सो आई जस्ट लव म्यूजली मिलेट्स वाली म्यूजली है विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। एक मुट्ठी जो है डाल लेती हूँ, मुट्ठी भरी नहीं थी थोड़ी और डाल लेती हूँ, थोड़ी भूख भी लग गई है एक्चुअली। तो चलो अब फिर देखेंगे हमारा डिनर वगैरह क्या होगा और क्या करूँगी, फटाफट नहाऊंगी और वहाँ क्या चली जाऊँगी बस आराम से, और दूर नहीं रह सकती मैं। तो अब बड़ा अजीब सा टाइम हो गया फ्रेंड्स, 4 बजने वाले हैं, कुछ खा तो नहीं सकती। उस टाइम कॉफ़ी बिस्किट ले लिया और अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ओट्स मिल्क। और एक अच्छी न्यूज़ बताऊँ कि मुझे अब नॉर्मल दूध भी सूट करने लगा है। हाँ रेगुलर नहीं लेकिन ऑन एंड ऑफ जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह या कुछ बना के पी रही हूँ। मैंने कंट्री डिलाइट का ट्राई किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसका मैंने डिटेल एक ब्लॉग भी करने जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग देखिएगा, आई रियली लाइक इट और मैंने डिफरेंस भी उसमें जो है पूरा देखा है कि फ़र्क होता है नॉर्मल दूध में और उसमें। और मुझे बोला था हमारे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उन्होंने कि क्यों आजकल सूट नहीं करता दूध, क्योंकि असली होता नहीं है और अगर असली होगा तो ज़रूर सूट करेगा। और यू नो इंडियंस हम ट्रेडिशनली दूध पीते ही आ रहे हैं सालों से। तो अच्छा हाँ ये भी दिखा दूँ, प्रोटीन ले लेती हूँ इस टाइम पे मैं, ये मेरा वुमेंस प्रोटीन है जो मैं लेती हूँ। और इसके वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको देखिएगा इट इज़ रियली रियली गुड। और जब से मैंने शुरू किया है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको जो है डिटेल अगर इसकी देखनी है तो वीडियो में डेफिनेटली ऊपर चलिए इधर अटैच कर दूंगी, आप देखिएगा। एंड हाँ हमने इस वीडियो में 5 बहुत अच्छी बेली फैट की एक्सरसाइजेस भी दिखाई हैं, वो भी कीजिएगा। मैं एक्चुअली एक दिन लेने जा रही थी और फिर अचानक से सोचा ब्लॉग बनाने का तो बन गया, तो आई डू दैट। सो ट्राई दिस। एंड क्या है प्योर वेजिटेरियंस को एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है। मैं भी पहले कोशिश करती थी स्प्राउट्स खाऊं, चने खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, थक जाता है, मुंह चबा चबा के दुख जाता है कई बार। तो क्या होता है कि मैंने सोचा कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, तो फिर मैंने अपने ट्रेनर देव से पूछा जो हम लोग एक्सरसाइज सेशंस भी साथ में चलाते हैं ना, चलो उसका भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। डांस फिटनेस करना हो या एक्सरसाइज करनी हो हमारे साथ तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायर कर लीजिएगा, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा मसाला है, मतलब बहुत कुछ देने वाली हूँ मैं। तो फिर ये हुआ कि उसने ये सजेस्ट किया, मैंने ट्राई किया, सो आई रियली फेल्ट द डिफरेंस। सो मैं तब से यही ले रही हूँ। तो माइक्रोवेव का प्लग लगा हुआ है। और एक बात और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आज आप देख रहे होंगे मैं और मैंने कई जगह पे पढ़ा है, बहुत से ऋषि मुनि भी कहते हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, मेरे फेवरेट रॉबर्ट शर्मा भी कहते हैं अकेले रहना बहुत जरूरी है। अरब मानी क्या है, बाकी सब काम पे है एंड आई एम अलोन। और इस घर में मोस्टली मैं ही अकेले रहती हूँ जो मेरा स्टूडियो क्लब हाउस है। तो अकेले रहना अपने आप में बहुत बड़ी मेडिटेशन है, अकेले हमें हर रोज थोड़ा सा टाइम जरूर बिताना चाहिए। इसका कलर दिखा देती हूँ, चॉकलेट फ्लेवर है, नो एडेड शुगर्स, तो बड़ा ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये नीचे थोड़ा सा जम जाता है तो मैं अभी इसको रख देती हूँ, बाद में स्पून से खाली कर लूंगी। पेस्ट जरा नहीं करती हूँ मैं कोई चीज। हाँ आराम से बैठ के पीते हैं। ये जो हल्के से गंदे बर्तन होते हैं ना, थोड़े से जैसे मिक्सी वगैरह, ये तो मैं हाथ के हाथ ही धो देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये रख के फायदा नहीं है। 2-4 बर्तन फालतू में रखे रहेगी, किचन गंदा लगता है और एकदम साफ सुथरा किचन होना तो बड़ा अच्छा लगता है। एकदम जो है ना ग्लोई लग रहा है फेस मेरा सामने से, और बिल्कुल खिंचापन नहीं हो रहा है, मतलब फेस वॉश नहीं लगाया फिर मैंने वो पैक लगाया था तो। और फटाफट रेडी होकर मम्मा के यहाँ जाती हूँ, मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, ये काफ़ी अच्छी डीप मॉइस्चराइजिंग देता है। इसका भी वीडियो मैंने किया था, मैं रात में अपने क्या क्या लगाती हूँ फेस पे, मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, वो डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर। ओह गॉड प्लीज डोंट थिंक कि मैं वीडियोस प्रमोट कर रही हूँ, वैसे अगर करूँगी तो हर्ज क्या है, मैंने मेहनत से बनाए हैं। अच्छा न्यूट्रीडर्म का है ये, तो जो भी पॉसिबल लिंक्स वगैरह होंगे दे दूंगी, नहीं तो वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप पूरा डिटेल में देख के फिर उसके बाद मंगा लीजिएगा। दिस इज़ रियली गुड। सेटाफिल का एक मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ये बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, ये ऑनेस्टली बताऊँ तो उससे थोड़ा सा ऊपर लगा, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट और बड़ा ही मतलब बड़ा अच्छा सा फील होता है। थोड़ी धूप है बाहर, तो टाइम क्या हो गया है, हो गए हैं 4:30, आधे घंटे में कर लिया बहुत कुछ मैंने। तो लगा लेती हूँ सनस्क्रीन, ये अच्छी लग रही है आजकल मुझे मिनिमलिस्ट की। तो अगेन इसका भी जो है जो आप लोगों को चाहिए होता है दे दूंगी। एंड लाइव से अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पे सब वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, बातें करेंगे हम लोग खूब। और लाइव में सच बताऊँ मैं बिल्कुल ही मतलब जो कर रही होती हूँ ना उसी टाइम लाइव आ जाती हूँ, कुछ प्लानिंग नहीं कुछ नहीं, भले मतलब जो भी कर रही हूँ, चाहे सब्जी काट रही हूँ चाहे कुछ भी, जब लगता है कि चलो अभी आ सकते हैं आरफ के स्कूल जाने के बाद तो आ जाती हूँ। अभी क्या है वीकेंड पे इसलिए नहीं आ पाए कि
थोड़ा बिजी रहता है, थोड़ा चेंज भी रहता है, थोड़ा आना जाना रहता है, फ्रेंड्स वगैरह से मिलना रहता है, और वो होना भी चाहिए। आज बस सिर्फ लिपस्टिक, उसके बिना तो हम फीमेल्स बाहर जाते नहीं है। ये अमामाअर्थ की है फ्रेंड्स, सिट्रस न्यूड नंबर 13। इसका भी शॉट किया था मैंने, जो हमारे इंडियन कॉम्प्लेक्शन पे सारे शेड्स अच्छे लगते हैं ना उनका। अगेन आई डोंट वांट टू से कि मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी, पर कर दूंगी। बहुत स्मूथली लगती है ये गा रहे हैं देखिए। इनफैक्ट इसका तो मैंने पूरा टेस्ट भी किया, बहुत लंबे घंटे का, रही थी अच्छे से। ओके, तो मैंने इस तरह की जो है डेनिम्स पहनी हुई है। मुझे इस तरह की डेनिम्स जो है बहुत पसंद है, स्पेशली आई लव दिस कॉम्बिनेशन। ये जो टॉमी हिलफिगर जैसा कॉम्बिनेशन होता है ना, है नहीं उसकी, अमेजोन से ली थी मैंने। ये रेड एंड व्हाइट पट्टी मुझे बड़ी पसंद है, थोड़ी सी डिस्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी है। आई जस्ट लव दीज एंड प्लेन ब्लैक टी शर्ट, सिंपल लिपस्टिक एंड सनग्लासेस लगाएंगे और हम रेडी हो जाएंगे। एंड आई विल सी यू सून एट डिनर टाइम। व्हाट्स इन माय डिनर थाली टुडे, लेट्स सी। कल मंडे है और मेरी क्या आदत है कि संडे को मोस्टली सारी तैयारी कर देती हूँ, जैसे जो कपड़े वगैरह आयरन करने होते हैं, और आरफ के एकदम छोटे छोटे से टी शर्ट्स होते हैं, मेरे भी कुछ होते हैं हालांकि कभी करने वाले, वो भी कर लेती हूँ। वो तो चलो रोज़ के रोज़ भी कई बार होते रहते हैं, थोड़े धोबी को दिए जाते हैं जो डिफिकल्ट वाले होते हैं। सो द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि हमें, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि हर तरह का ना काम करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे ये तो हमसे हो नहीं पा रहा है या कभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइफ में कब कैसी सिचुएशन आएगी, कब कहाँ क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए वी शुड ऑलवेज, हमें जो बेसिक्स है ना अपने काम करना, जो जो चीज़ें हमें आनी चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखनी ही चाहिए, और उनकी थोड़ी सी आदत रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। तो बस ये कपड़े वपड़े आयरन कर देती हूँ, एंड आराम नीचे खेलने गया हुआ है, और उसके बाद फिर डिनर टाइम। सो व्हाट्स इन माय डिनर थाली टुडे। लेकिन सच बताऊं आज मेरी वो एनर्जी नहीं है जो हमेशा होती है। आई थिंक आई एम अ लिटिल टायर्ड, कल रात को लेट सोई काफ़ी, सुबह जल्दी उठी शायद इस वजह से, आई डोंट नो। मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा है, लेकिन कुछ ऐसे खाने का गर्म मन भी नहीं कर रहा, अजीब सा कुछ हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो मैंने सोचा चलो एक कोल्ड सैलेड टॉस करते हैं, तो मैंने काट ली है आधी रेड बेल पेपर और आधी पीली, आधे से कम थी पीली। हाँ, बीच में थोड़े से केले के चिप्स खाए थे आपसे चीटिंग करके, थोड़े पॉपकॉर्न भी मंच कर रही हूँ, बनाए थे आराम के लिए। तो और अब तो सैलड में डालने जा रही हूँ मैं, या तो पनीर डाल सकते हैं या टोफू, दोनों ही ऑप्शन थे, मैंने सोचा चलो टोफू डाल देते हैं। पनीर की सब्जी आराम के लिए बना ली, तो कुछ इतना बड़ा पीस है ये, देखती हूँ कितना डालेगा। पनीर और टोफू रखने का एक तरीका मैंने पहले भी शायद बताया था, काफ़ी अच्छा होता है अगर हम उसे इस तरह से पानी में नमक डाल के रखते हैं ना, तो अच्छा रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। तो बस इसके ना बारीक बारीक पीसेस कर लेती हूँ, और थोड़ी सी ड्रेसिंग डालूंगी इसमें, बिल्कुल फीका तो देखो खाया नहीं जाता एकदम, तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत चलता है, इट्स ओके। वैसे एक्चुअली हंग कर्ड जो होता है ना, जो दही में से पानी निकाल के, वो ड्रेसिंग बेस्ट होती है, पर वो तो नहीं कर रही हूँ अभी, मेरे पास है नहीं इस टाइम ना, मेरा मन कर रहा है दही में से पानी निकाल दो होता है ना। तो ओके, तो डाल दिया मैंने पूरा ही टोफू इतना, एंड ये हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ, अच्छा मैंने कल के सुबह की चीज़ें भी रेडी कर ली हैं, एक बार जाने से पहले आपको दिखा दूँगी, अभी गुड नाइट करने से पहले, मतलब कैसे तारा की स्कूटी तैयारी कर ली। एगलेस मेयोनीज है वीवा की, थोड़ी सी डाल दूँ मैं, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है फिर ज़्यादा में नहीं हो, तो बिल्कुल थोड़ी सी डालिए, जस्ट फॉर द फ्लेवर मिक्स कर दूँगी उसको। एंड पेपर चाहिए, पेपर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सम्भाव पिज्ज़ा मसाला थोड़ा अच्छा लगता है, सॉल्ट नहीं डाल रही इसमें, हल्का सा रहता ही है, तो इसमें ना थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर सा आ जाता है। एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग इट, चाहे हाथ से मिक्स कीजिए चाहे स्पून से। एक्चुअली थोड़ी सी मेयो और डालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बिल्कुल भी डाल आपकी कोट, थोड़ी सी और डाल ही देती हूँ, ये डाल देती हूँ थोड़ी सी। आरफ के लिए रोटी सब्जी पनीर की बनी हुई है, तो जब बोलेगा अभी थोड़ी देर में, तो खाना दे दूँगी उसको या खिला दूँगी, खिलाना पड़ता है ना बच्चों को, मतलब कितना भी सोचो नहीं खिलाओ, लेकिन फिर वो ठीक से खाते नहीं है, जब तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं हमें खिला देते हैं। बस ये फ्लेवर के लिए मैंने मिक्स कर ली है, पेपर इज़ ऑप्शनल, कई लोग इसमें पार्सले या धनिया भी फ्रेश लीव्स डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है, हमारा अपना हिंदुस्तानी टच होना चाहिए। तो दिस इज माई डिनर फॉर टुनाइट, और आज का थोड़ा सा स्ट्रेंज डिनर, स्ट्रेंज मूड है,
शायद ये खत्म कर ही दूंगी। ओके मैंने कपड़े प्रेस करके आरब का सुबह के लिए निकाल दिए, किस तरह से एक बार ऐसे झलक दिखा देती हूँ आपको। बबलू एक मिनट में ब्लॉग कर रही हूँ, जरा सा ना टीवी म्यूट करना। ओके तो इस तरह से जो है मैंने उसके जो सुबह पहनने वाले कपड़े हैं लेट स्कूल होता है वो निकाल के रख दिए हैं रेडी करके, प्रेस वेस करके, सॉक्स के समेत, अंडी समेत, एंड दिस इज़ द यूनिफॉर्म भी रेडी कर दी है। तो सब कुछ रेडी है सुबह के लिए एकदम, सो दैट थोड़ा टाइम बच जाएगा। और मैं जो मेरी एक्सरसाइज की सुबह के कपड़े वो भी रात में ही रेडी कर देती हूँ, नहीं तो सुबह बहुत आलस आता है, फिर एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं होता है इसलिए। एंड आई विल सिट एंड एंजॉय माय डिनर, आप भी अपना डिनर एंजॉय कीजिए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, जो भी कुछ मैंने प्रॉमिस किया लिंक्स नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई विल सिट एंड हैव माय डिनर। ओके सो इट इज़ अराउंड 8 PM। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गुड नाइट। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।